हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में बात करेंगे ट्रोन कॉइन के बारे में, जिसके सीईओ जो मिस्टर जस्टिन सन हैं, उन्होंने ट्रोन को रिटायरमेंट दे दिया है, कहना चाहिए छोड़ के जा रहे हैं, और ये ब्रांड एम्बेसडर बनने जा रहे हैं, इसलिए ट्रोन कॉइन को अब वो छोड़ रहे हैं। तो ये जो न्यूज निकल के आ रही है, ये उनके खुद के ट्विटर अकाउंट से निकल के आ रही है। तो चलिए आइए जानते हैं कि ये न्यूज में क्या सच्चाई है, क्योंकि बहुत से लोग घबरा जाते हैं और बहुत से लोगों को तो पता है कि क्या सच है और क्या झूठ है। न्यूज को अच्छे से पढ़ते हैं, उनको पता चल जाता है। तो ये जो है, इनके ट्विटर अकाउंट में ये लिखे हुए, आई एम थ्रिल्ड टू शेयर विथ एवरीवन अबाउट द सिग्निफिकेंट माइलस्टोन ऑफ द ट्रोन प्रोटोकॉल एंड माय अपॉइंटमेंट एज द एम्बेसडर। ठीक है ना? तो ये जो न्यूज है आ रही है जस्टिन सन के ट्विटर अकाउंट से, कि वो अब अपने प्रोजेक्ट या कहें कि कंपनी जिसके थ्रू ड्रोन या बीटीटी या फिर विंक लिंक के सीईओ पद से इस्तीफा दे रहे हैं। और उनका ये भी कहना है कि अब से ड्रोन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज्ड तरीके से काम करेगी। जी हाँ, ऊपर में आप जाके ये पढ़ेंगे तो है ना, ये रिटायरमेंट नहीं ले रहे हैं, बल्कि जो वो एक इन्वॉल्व होकर वहां पे एक्टिव इन्वॉल्वमेंट की तरह से सेवा दे रहे थे, लीडर के रूप में, एक समर्थक के रूप में वहां पे जो काम कर रहे थे, उससे वो हट रहे हैं। और नीचे में वो लिखते हैं कि आई विल स्टिल बी इंगेज विद द ट्रोन कम्युनिटी, मैं ट्रोन कम्युनिटी के साथ में बना रहूंगा और मैं ट्रोन को पुश भी करूंगा, पुश फॉर फर्दर एडवांसमेंट ऑफ द ट्रोन ब्लॉकचेन, है ना। तो यहाँ पे आपको घबराने की बात नहीं है, आपको यहाँ पे समझना चाहिए कि ट्रोन, बिट टोरेंट, विंक लिंक के लिए ये बहुत अच्छा हुआ। और जो लोग ये न्यूज को लेकर घबराए हुए हैं कि अब TRX BTT का क्या होगा, तो मेरे ओपिनियन से मैं आप लोगों को बता दूं, जिस तरह से बिटकॉइन एक प्योर डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम है, पूरा क्रिप्टो वर्ल्ड डिसेंट्रलाइज है ना। तो बिटकॉइन के बनाने वाले का नाम आज जानने को तो सब कोई जानते हैं, है ना, कि नाकामोटो सतोशी है। लेकिन कहना चाहिए कि नाकामोटो सतोशी है कौन? क्या ये कोई कंपनी है या फिर किसी आदमी का नाम है या फिर किसी देश का नाम हो सकता है, ये बात किसी को पता नहीं है। ये प्योर डिसेंट्रलाइज है ना। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि ट्रोन ब्लॉकचेन के ऊपर ऑलरेडी काफी सारी चीजें यूज होती है ना। ट्रोन जो है एक ऐसा मतलब सिस्टम है जो कि आपको घबराने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। अगर आप कम समय के लिए हैं तो थोड़ा सा पैनिक हो जाते हैं, और लेकिन अगर आप लंबे समय के लिए यहाँ पे मार्केट में आए हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं। आप बिटकॉइन को भी देख सकते हैं, बिटकॉइन भी लड़खड़ाता है, कभी उठता है, फिर गिरता है, फिर उठता है, तो ये कंटिन्यू आप देख सकते हैं। बहुत पुराना ये डाटा है ना। यहाँ से आप देख सकते हैं कि ऊपर नीचे होते रहता है, ये सब आते रहता है न्यूज, छोटा मोटा न्यूज। जिन लोगों को समझ में आता है उन लोग तो समझते ही हैं, लेकिन नए इन्वेस्टर क्या होते हैं कि घबरा जाते हैं, है ना। जहां जहां जैसे भी अब कोई भी देखे हैं कि नहीं, अब जस्टिन सन क्या, कि कई सारे चैनल पर ये भी आ जाता है कि जस्टिन सन ने ट्रोन को अब छोड़ दिया, वो ट्रोन को सपोर्ट नहीं करेंगे, है ना। तो एक से एक न्यूज निकल के आती है, तो आप लोगों को घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि अब जस्टिन सन के बाद में जो कोई भी टीम को लीड करेगा वो भी अच्छा ही करेगा। और वैसे इस न्यूज से कोई खास इफेक्ट इसके प्राइस पे नहीं हुआ है ना। अगर आप जाके देखते हैं तो ये डेली के हिसाब से देखे तो ये 17 तारीख का न्यूज है, और हम इसको वन डे के हिसाब से चार्ट को देखते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई खास गिरावट नहीं हुआ है ना। ये ऑलरेडी बिटकॉइन के वजह से ऑलरेडी डंप मारे जा रहा है। लेकिन अब इसका भी, अब बिटकॉइन का भी देखा जाए तो काफी ज्यादा ये गिरावट ले चुका है ऑलरेडी, और ये अब ये भी उठने की तैयारी पे है ना। और इसका भी न्यूज काफी ज्यादा आ ही रहा है बिटकॉइन का। अभी आप देखें तो बहुत से न्यूज ऐसे आ रहे हैं, कोई बोलता है कि नीचे जाएगा, कोई बोलता है, लेकिन बिटकॉइन है भाई, बिटकॉइन अपने हिसाब से चलता है, ठीक है। 2015-16 में भी काफी लोग बोलते थे कि ये ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, जो न्यूज चैनल लोग बोलते थे कि ये बबल है, फट जाएगा, कुछ भी हो जाएगा। अरे भाई, आज गेमिंग प्रोजेक्ट, मेटावर्स, क्या क्या नहीं चल रहा है,
आज आप व्हाट्सएप फेसबुक ऑन करेंगे तो उससे पहले मेटा लिखाता है, तो इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है ना। तो ये सब आपको जानने के लिए चैनल पर बने रहिए, है ना। और मैं आपको एक खास बात और बता देता हूँ कि ये जो TRC20 का जो यूज करते हैं, काफी ज्यादा लोग यूज करते हैं, तो कोई भी अपने यूएसडीटी टीथर या फिर कोई भी स्टेबल क्वाइन को कहीं ट्रांसफर या विड्रॉवल करने के लिए, और अभी के टाइम में बहुत बड़ा ब्लॉकचेन सिस्टम है स्टेबल क्वाइन के लिए जो कि यूज होता है TRX के ऊपर में, है ना। तो दोस्तों ये न्यूज किसी भी तरह से निगेटिव नहीं है, क्योंकि जस्टिन सन जो है इसको परेशान होकर नहीं छोड़ रहे हैं ना, बल्कि वो ब्रांड एम्बेसडर बनने जा रहे हैं। तो ये जो ब्रांड एम्बेसडर बनने जा रहे हैं, इनका भी आप यहाँ पे ही आप देख सकते हैं, ये जो है ग्रेनाडा के WTO, है ना। तो इनको कॉन्ग्रेचुलेशंस भी मिला हुआ है, कॉन्ग्रेचुलेशंस जस्टिन ऑन हिज अपॉइंटमेंट एज एम्बेसडर परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ग्रेनाडा टू द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO के, भाई ये रिप्रेजेंटेटिव मेंबर बने हुए हैं, है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनके ट्विटर पे जाके ये सारा कुछ है, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम इसके प्राइस के बारे में बात करें तो वही अभी आप देख सकते हैं कि इसमें कोई खास गिरावट नहीं दिख रहा है ना, और ये अभी अपने सपोर्ट पे ही चल रहा है। अगर आप देखें तो ये बहुत अच्छा अभी सपोर्ट जोन पर है ना। कोई घबराने की आपको कोई बात नहीं है, और क्या है कि जो यहाँ पे खरीदे हैं उन लोगों को डर ये हो जाता है कि कहीं नीचे होके जीरो ना हो जाए, है ना। तो ऐसा नहीं होता है, क्रिप्टो मार्केट है भाई, उतार चढ़ाव तो होना ही है, नॉर्मल सी बात है। देखिए आपको ये जानना है कि आप जब इस टाइम पे नहीं खरीद सके तो आप पछताते हैं यहाँ पे, और धीरे धीरे देखते देखते आप इस जगह पे अगर खरीदते हैं, ठीक है, तो इस जगह पे खरीदते हैं तो क्या होता है कि आप हाई प्राइस पे खरीद लेते हैं, लेकिन आप वेट नहीं करते फिर से आप ऊपर जंप का। लेकिन रियल तो यह है कि आपको इस एरिया में बाई करना चाहिए, कभी भी करना चाहिए तो इस एरिया में करना चाहिए, और इस एरिया से कभी ना कभी तो ये जरूर उठता है, ये जरूर उठता है। आपको अच्छे से देख लीजिए, कहीं पे भी आप जाके देखिए, ये कंटिन्यू ऐसे ही जिग जैक ही बनता है, लेकिन जिग जैक को समझने के लिए आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, और आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो अच्छे से एनालाइज कीजिए, है ना, उसको पढ़िए समझिए सारा चीज को, वीडियो देखिए काफी सारा, और कोई कुछ कहता है तो आप उसको अपने दिमाग से भी सोच के देखिए, किसी के कहने पे आप पैसा इन्वेस्ट मत किया करें, है ना। अभी कुछ दिनों पहले शिबा इनू क्वाइन के बारे में बहुत ज्यादा चर्चा चल रहा था, और शिबा इनू मेमे टोकन है एक, और ये क्या है कि बहुत से लोग बोले 1 रुपया हो जाएगा, 2 रुपया हो जाएगा, कोई तो 1 डॉलर 2 डॉलर की बात भी करता है। तो इसमें आपको लालच में नहीं पड़ना है, आप सोच समझ कर इन्वेस्ट किया करें, क्योंकि पैसा बहुत मेहनत से आता है, और पैसा जहां इन्वेस्ट करते हैं वहां पे समय भी दीजिए। आप उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो से जानकारी मिली होगी, है ना, और हमारे चैनल पर आप आगे के लिए बने रहिए, आपको कंटिन्यू वीडियो मिलती रहेगी, और इसी तरह से जो रियल जानकारी है ये मिलेगी आपको, भड़काने के लिए पैनिक करने के लिए कोई जानकारी नहीं दिए जाएगा, है ना। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, आप वीडियो लाइक भी करेंगे और अपने दोस्तों को शेयर करेंगे जिससे कि उनको भी जानने का मौका मिल सके। ओके, थैंक यू, नमस्कार, हैव अ नाइस डे।